चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का एक सीन जो है इसी जगह पे शूट हुआ था। कहते हैं कि मुन्नार का टॉप पॉइंट है, देन इसकी ब्यूटी जो है नेक्स्ट लेवल है दोस्त। ये ब्रिज जो है बनाया गया था 1757 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस समय गॉड्स ओन कंट्री केरला के एक बड़े ही खूबसूरत से हिल स्टेशन मुन्नार में, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे मुन्नार के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, और साथ ही साथ मैं दूंगा आप लोगों को वो सारी डिटेल जो आपको हेल्प करेगी आपका अपना ट्रिप प्लान करने में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने पहले स्पॉट पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक वंडर वैली करके एडवेंचर पार्क है। यहाँ पर या तो आप चूज़ कर सकते हैं वंडर वैली में जो है कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, या तो आप वो कर सकते हैं या फिर हमारी तरह जो है जीप सफारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो चार्जेस है जीप सफारी के 4000 रुपीज़ मांग रहे थे, हमने थोड़ा बहुत नेगोशिएट किया तो फाइनली 3500 रुपीज़ में मान गए हैं हम लोगों को लेके जाने के लिए। 3 घंटे का टोटल प्रोग्राम होगा और ये चार्जेस है पर जीप के हैं, और एक जीप में मैक्सिमम 7 लोग जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं आगे, अब देखते हैं कि क्या क्या किस किस तरीके के मतलब पॉइंट्स पर लेके जाते हैं, वेदर नॉट ये वर्थ इट होगा कि नहीं, जो भी होगा आप लोगों को सारी डिटेल्स देते रहेंगे। दोस्तों ये जीप सफारी का जो प्रोग्राम है टोटल 3 घंटे का प्रोग्राम है, अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। भैया सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम लोग? पहले सबसे पहले जो है हम लोग एक वाटरफॉल पे जाएंगे। नाम क्या भैया वाटरफॉल का? कौन सा? रिपल वाटरफॉल है। चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं एग्जैक्टली वाटरफॉल कैसा है, उसके बाद जो है बाकी के पॉइंट्स भी कवर करेंगे। नीचे देख रहे ये रबर प्लांट है, ये इलायची है, ये छोटा वाला है, उसके रूट्स में इलायची होता है ना, छोटे छोटे लीव जो आ रहे हैं वो ब्लैक पेपर है। अरे स्पाइसेस मतलब यहाँ पे होते हैं, कोकोआ इसी से चॉकलेट बनता है। नहीं नहीं दोस्तों, सुबह के करीब 10 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट आधे घंटे का टाइम लगा हम लोग को अपने पहले पॉइंट पे पहुंचने पे। ये पॉइंट जो है वाटरफॉल, जैसा कि हमने बताया था कि पहला जो पॉइंट होगा हम लोग का वाटरफॉल वाला होगा। तो जीप जो है आपको करीब 100-150 मीटर पीछे छोड़ेगी, वहाँ से थोड़ा सा वॉक करके आपको वाटरफॉल तक पहुँचना होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली वाटरफॉल कैसा है, आप लोग को भी दिखाते हैं। दोस्तों देखा आप लोगों ने कि ये वाटरफॉल जो है कितना खूबसूरत है। बेस्ट चीज़ मुझे इसका ये लगा कि यहाँ पे जो है बिल्कुल भी रश नहीं था, हार्डली कोई, मुझे 1-2 जन यहाँ पे दिखे थे। इनफैक्ट जब हम लोग गए थे वाटरफॉल पे तो कोई भी नहीं था। अभी रास्ते में हम लोग वापस आ रहे थे तो 2-3 लोग जो है वहाँ जा रहे थे वाटरफॉल की तरफ। ये जगह जो है बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप मुन्नार आते हैं तो इसको मिस मत कीजिएगा। यहाँ दोस्तों वाटरफॉल पर जो है वाटरफॉल के रास्ते में आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो यहाँ पर मैगी चाय वगैरह जो है आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वाटरफॉल पे आ रहे हैं तो जिप लाइनिंग जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जिप लाइनिंग के साथ साथ जो है आपको एक ड्रोन फुटेज भी निकाल के देंगे ये लोग, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। और उसके चार्जेस सिर्फ 300 रुपये हैं, 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आप ड्रोन फुटेज जो है अपने लिए ले सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर करने के लिए। और जो जिप लाइनिंग के चार्जेस है वो सिर्फ 500 रुपीज़ पर पर्सन है, तो आई थिंक इट्स रीजनेबल। अगर आते हैं आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है एडवेंचर एक्टिविटीज़ में तो जिप लाइनिंग जरूर ट्राई कीजिएगा।
तो दोस्तों सुबह के करीब 11 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकंड स्पॉट पे। ये जो जगह है दोस्तों ये है पोनमोड़ी, और ये जो हैंगिंग ब्रिज जिस पर मैं चल रहा हूँ अभी, ये एक्चुअली यहाँ का फेमस हैंगिंग ब्रिज है। तो इसको बेसिकली पोनमोड़ी हैंगिंग ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस ब्रिज को बताया जाता है कि ये ब्रिज जो है बनाया गया था 1757 में अंग्रेज़ों के द्वारा, यह तैयार किया गया था और देखने से भी काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर का लगता है। सबसे बेस्ट चीज़ इस ब्रिज की है दोस्तों वो ये कि यहाँ से, इस ब्रिज से जो है पूरे वैली का आप काइंड ऑफ एक पैनोरामिक 360 डिग्री व्यू आप लोगों को मिलेगा, जो तो बड़ा ही अमेजिंग लगेगा। एक साइड में आपको जैसे वाटरफॉल वगैरह है, छोटा सा वाटरफॉल है, और दूसरी साइड में जो है वैली का व्यू आता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आप चाहे तो कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये अमेजिंग से व्यूज़ को जो है आप इंजॉय कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ पिक्चर्स कुछ वीडियोज़ वगैरह जो है ले सकते हैं। ये जगह जो है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से जो है वो ब्रिज भी दिखेगा। आप रुक सकते हैं क्या? वापस नहीं मिलते वापस। पापा, आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे नए वाले, और मेरे को यहाँ से वो ब्रिज कितना छोटा लग रहा है। तो दोस्तों वो हैंगिंग ब्रिज से कुछ ही दूरी पे आपको मिलेगा ये पोनमोड़ी डैम। आप देख सकते हैं पीछे से कितना अमेजिंग कितना खूबसूरत लग रहा है ये डैम। ये जो जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये एक्चुअली इसलिए भी फेमस है बिकॉज बता रहे हैं, क्या के लोकल्स बता रहे हैं कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का एक सीन जो है इसी जगह पर शूट हुआ था, इस डैम के इस साइड में। अभी तो पानी फिर भी कम है, बताते हैं कि अभी सितंबर के बाद अगर आप लोग आएंगे तो पानी जो है पूरा डैम के ऊपर तक रहता है एकदम। और हैंगिंग ब्रिज जो है, हैंगिंग ब्रिज के पास जो पानी देख रहा था एग्जैक्टली यही डैम से छोड़ते हैं पानी, तो वहाँ पे जाता है। हैंगिंग ब्रिज भी मतलब अभी जो है पानी वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था, बट देन सितंबर अक्टूबर के बाद अगर आप आते हैं और विज़िट करते हैं हैंगिंग ब्रिज, तो वहाँ से भी जो आपको व्यू बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो ऑल इन ऑल दोस्तों अभी तक जितनी भी जगह विज़िट की मुझे सबसे खूबसूरत ये जगह लगा, बिकॉज़ ये डैम प्लस यहाँ पे पानी और सामने जो है इस वैली का व्यू बड़ा ही अमेजिंग आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप आराम से चाहे तो यहाँ पे कुछ समय बिता सकते हैं, इस अमेजिंग से व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, कुछ पिक्चर्स कुछ वीडियोज़ वगैरह अपने लिए ले सकते हैं। तो आ रहा हूँ, कैसा लग रहा है फिर यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर अमेजिंग है यहाँ पे, और यहाँ के व्यूज एंजॉय कर सकते हैं हम, और मोस्टली यहाँ पे अब इसको ऑफ बीट भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते आना, लेकिन अगर आप यहाँ पे आना चाहेंगे तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आई इंश्योर दैट ये स्पॉट आपको बहुत अच्छा लगेगा फॉर स्पेंडिंग सम टाइम। इस जगह तक पहुँचने के लिए ऊपर जो है आपको ड्रॉप करेगी आपकी जीप, जो भी अपनी गाड़ी से आ रहे हैं ऊपर रोड से जो है आपको सीढ़ियाँ लेके नीचे की तरफ आना पड़ेगा। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, आई गेस 40-50 सीढ़ियाँ नीचे लेके आना पड़ेगा। नीचे उतरते समय तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऊपर जाते समय आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर आप आते हैं तो ऊपर से भी आप चाहे तो व्यू एंजॉय कर सकते हैं डैम का, बट अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ का जो व्यू और भी ज़्यादा बढ़िया है। तो नीचे आइए आराम से, 40-50 सीढ़ियाँ हैं, इट विल बी कम्प्लीटली वर्थ इट। आई हैव टू से ये मेरा पूरे जिंदगी में बेस्ट ट्रिप एवर है। दोस्तों वो डैम से जो है कुछ दूरी पे थोड़ा सा आई गेस 2-3 किलोमीटर के ड्राइव पे ये नाडुकान पारा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ये जगह है। ये बेसिकली दोस्तों बताते हैं कि मुन्नार का टॉप पॉइंट है, यहाँ से आपको पूरे मुन्नार का जो है 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलेगा। बताते हैं कि एक साइड से जो है आप यहाँ से सनराइज इंजॉय कर सकते हैं और दूसरी साइड में जो है आप सनसेट जो है उसको इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो हम लोग सनराइज या सनसेट नहीं देखेंगे बिकॉज अभी दोपहर के करीब 12:45 हो रहे हैं, बट देन यहाँ से जो व्यूज़ आ रहे हैं ना दोस्तों बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितने अमेजिंग व्यूज़ हैं दोनों साइड से, पूरा मुन्नार सही में मतलब ऐसे लग रहा है कि पूरे टॉप पे हैं और टॉप से पूरा मुन्नार जो है, यहाँ से पहाड़ों का व्यू ग्रीन एकदम पूरी ग्रीनरी दिख रही है। तो यहाँ पे रोड के दोनों साइड जो है व्यू पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने बताया कि बीच में रोड है और काइंड ऑफ ये टॉप पे है और आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा, तो दोनों साइड के जो अमेजिंग से व्यूज़ हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसी जगह है जो आप मिस नहीं कर सकते, अगर आप मुन्नार में आ रहे हैं तो ये जगह जो है ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये तीनों जगह जो है आसपास में ही है, हैंगिंग ब्रिज प्लस वो अमेजिंग वाला डैम प्लस ये व्यू पॉइंट, ये तीनों चीज़ जो है आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप आराम से जो है कुछ टाइम में तीनों जगहों को विज़िट कर सकते हैं। ये जगह जो है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ अमेजिंग से पिक्चर्स
वीडियोस वगैरह ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ खाने पीने का मन हो तो यहाँ पे दो तीन स्टॉल्स भी है, छोटे से शॉप्स हैं यहाँ पे, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, मैगी, चाय, नींबू पानी वगैरह आपको पीना है तो वो भी कर सकते हैं। अरे अभी क्या खा रहे हो तुम? पैशन फ्रूट। कैसा लग रहा है? अमेजिंग, सावर स्वीट का एकदम मिक्स है और बहुत टैंगी है। पैशन फ्रूट तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं था पैशन फ्रूट आता है ना उसमें, जो मोहितो वगैरह पीते हैं ना पैशन फ्रूट। अच्छा, आइसक्रीम भी होता है इसका रियल वाला, कोहिमा में बहुत खाते हैं हम। तुम क्या बनवा रही हो? कोकोआ मीटिंग, दिस इज फ्रेश कोकोआ पॉड। दिस इज अ फ्रेश कोकोआ पॉड। अच्छा, नाउ आई एम ट्राइंग टू ईट दिस, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दैट यू कैन ईट इट रॉ आल्सो, लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। मैं वीडियो देखे हैं कोकोआ के बहुत। सीताफल की तरह। कैसे? क्या होता है? क्या होता है? पैर में आप पैर कह रहे हो, पानी में आप पैर डालोगे ना उसमें से छोटे छोटे। इधर भी वेदर कोई ज्यादा गर्मी नहीं है। नहीं आई यहाँ पे। ये देखो कमल का फूल है, तो सुंदर है। फोटो लो ना इसका, ये तो ब्लैक कलर का ड्रैगन फ्लाई। दोस्तों दोपहर के करीब 12:30 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 घंटे होने वाले हैं जब से हम लोग जीप सवारी पे निकले थे। और ये जो है हमारा आखिरी पॉइंट है, ये है एग्जैक्टली रिपल वाटरफॉल। बता रहे भैया कि सेम ही वाटरफॉल है जो फर्स्ट हम लोग वाटरफॉल गए थे, वो सेम ही है। बट देन यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, तो यहाँ तक आप आ सकते हैं। पीछे आप लोगों को वाटरफॉल दिखाई दे दिया होगा। यहाँ पे आने के लिए एग्जैक्टली आपको एंट्री फ़ी लगती है। पहले जिस तरीके से जिस साइड से हम लोग गए थे वहाँ पे एंट्री फ़ी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे 25 रुपये एंट्री फ़ी आपको पे करनी पड़ती है। बच्चों के आई गेस 15 रुपीज़ या 10 रुपीज़ एंट्री फ़ी लगता है, 15 रुपीज़ लगता है ना। हाँ, तो बच्चों की 12 साल के बच्चों तक की एंट्री फ़ी है 15 रुपीज़। आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, 100-150 मीटर जो है सीढ़ियों से अंदर आना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे सेल्फी पॉइंट पर पहुँच सकते हैं। ये पॉइंट जो है बड़ा ही अमेजिंग बना हुआ है, यहाँ से आप खड़े होकर आराम से इस वाटरफॉल का व्यू एंजॉय कर सकते हैं और कुछ पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं अपने लिए। तो अगर आप आते हैं मुन्नार तो इस जगह को भी विज़िट ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि एंट्री फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप चाहे तो इस वाटरफॉल को दूसरी साइड से भी देख सकते हैं, बट देन वहाँ दिक्कत है, हर कोई वहाँ पर जा नहीं सकता। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो बच्चों को जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर थोड़ा सा डेंजरस है। बट देन यहाँ पर है प्रॉपरली बना हुआ है, मात्र 25 रुपये आपको एंट्री फ़ी पे करनी है और आप जो है आराम से यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ से इस अमेजिंग से व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं। दोपहर के करीब 1:15 बज चुके हैं, एक्चुअली 3 घंटे से ज़्यादा का ही टाइम लग गया और फाइनली हम लोग जीप सफारी करके वापस आ गए हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग टैक्सी से जो है कुछ और लोकल साइट सीइंग करेंगे, टी गार्डन्स और एक कोई नेशनल पार्क है वहाँ पर जाएंगे। फिलहाल यहीं पर जो है वंडर वैली के पास जो है एक बड़ा ही बढ़िया सा रेस्टोरेंट है। अभी भूख लग गई, दोपहर का टाइम है तो हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे लंच करते हैं, देखते हैं खाना कैसा रहता है, अगर अच्छा रहा तो आप लोगों को भी रेकमेंड करेंगे। दोस्तों दोपहर के करीब 2 बज चुके हैं और हम लोग वापस निकल चुके हैं लंच करके टी गार्डन्स। अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग मुन्नार के फेमस टी गार्डन्स देखने के लिए। ये जो रेस्टोरेंट था दोस्तों बहुत बढ़िया था, काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं। अगर आपको सी फूड पसंद है तो आप इस रेस्टोरेंट में ज़रूर एक बार जाइएगा, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। हमने भी सी फूड प्लेटर लिया था और क्वांटिटी इतना ज़्यादा था कि हम लोग ख़त्म भी नहीं कर पाए थे, 3 जन। हमें लगा था कि ख़त्म हो जाएगा, एक्चुअली क्वांटिटी इतनी थी कि आराम से 5-6 लोग आराम से पेट भर के खा लेते। बट हाँ, रीजनेबल प्राइसेस हैं और रेस्टोरेंट का टेस्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप आते हैं यहाँ पर तो उसमें ट्राई कर सकते हैं खाना वाना।
दोस्तों पहुंच गए हम लोग मुन्नार के फेमस टी गार्डन्स में। पीछे आप लोग देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है बैकड्रॉप में टी गार्डन्स का। इससे पहले टी गार्डन्स में जब धर्मशाला गया था तो वहाँ भी हमने टी गार्डन्स देखे थे, वो भी बढ़िया थे, बट देन इसकी ब्यूटी जो है नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। यहाँ से आप जो है ना, यहाँ से पिक्चर्स वगैरह आप लेंगे बैकड्रॉप में ये टी गार्डन्स के साथ, तो बहुत ही अमेजिंग आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ पिक्चर्स वगैरह लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे स्पॉट के लिए। दोस्तों पहुंच गए हम लोग मुन्नार के एक और बड़े ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे। इस जगह का नाम है एको पॉइंट। ये जगह जो है जहाँ पे लास्ट टाइम लोग रुके थे टी गार्डन्स के पास, वहाँ से करीब 15 किलोमीटर के आसपास है। द बेस्ट थिंग इज़ यहाँ पे आने वाला जो रास्ता है बड़ा ही खूबसूरत है दोस्तों। मोस्टली रास्ते में 80% जो रास्ता है उसमें आपको टी गार्डन्स दोनों तरफ दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, आप यहाँ से ज़्यादा जो रास्ता जो आएगा उसको आप लोग इन्जॉय करेंगे। फिलहाल इस जगह पे जो है बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर बॉडी है, आई गेस एक लेक है। यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे एंट्री चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, करीब 10 रुपये जो है आप यहाँ पे एंट्री चार्जेस पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहे तो बोटिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग के जो है चार्जेस आप लोगों को अलग पे करने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखा दूंगा, उसमें आप लोग पॉज करके देख सकते हैं कि एक्चुअली में बोटिंग के चार्जेस क्या है। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:30 और फाइनली हम लोग का आज का टूर ख़त्म हुआ। मुझे पर्सनली मुन्नार एज अ हिल स्टेशन बहुत ही खूबसूरत लगा। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हमने कवर किए सब एक से बढ़ के एक है। आप लोग भी जब भी कभी केरला का प्लान करेंगे तो आई वुड रिकमेंड यू टू डेफिनेटली इंक्लूड मुन्नार। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।